हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। इस रिपोर्ट में बात करें हम कैटरीना और विक्की कौशल को लेकर। बताते चले कि कुछ ऐसे खुलासे सामने आए हैं जो शायद कभी उनके फैंस ने सोचे भी नहीं होंगे। यहाँ पर एक जानकारी सामने आती है कि शादी से पहले उस रात को मिले थे कैटरीना और विक्की कौशल। आखिरकार उस बात का खुलासा खुद पंडित ने किया। अब पंडित का क्या मामला है इस बीच में, तो चलिए उसकी जानकारी आपको देते हैं। बताते चले कि ये शो काफी ज्यादा लोग देखते हैं, कॉफी विद करण। अब इस शो में कुछ ऐसा खुलासा हुआ जिसके बारे में सुनकर यहाँ पर फैंस काफी ज्यादा चौंक गए। बताते चले कि प्रोमो को देखकर लग रहा है कि और एपिसोड की तरह ये बाकी एपिसोड भी धमाकेदार रहने वाले हैं। एपिसोड के दौरान कई खुलासे होंगे जो हर बार की तरह होते हैं, और एपिसोड के दौरान विक्की कौशल अपनी शादी, कैटरीना संग लव स्टोरी और शादी को लेकर अनसुने किस्से भी जरूर बताएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम भी बता देते हैं कि प्रोमो में दिख रहा है कि विक्की कौशल ने खुलासा किया कि हम दोनों पहली बार जोया अख्तर के घर पर मिले थे। शादी के इवेंट को याद करते हुए विक्की ने बताया कि कैसे धूमधाम से तैयारियां हो रही थी उनकी वेडिंग की, और मीम्स बन रहे थे और मजेदार ट्वीट्स भी शेयर किए जा रहे थे। उन पर भी पूरा ध्यान था, जैसे सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन, हेलीकॉप्टर में एंट्री जैसी ढेरों रेंडम खबरें इंटरनेट पर लगातार छाई हुई थी। अब इसी बीच विक्की कौशल ने पंडित से कहा था कि जब ये सब सुर्खियां चल रही थी मैंने पंडित जी से क्या बोला, उसके बारे में उन्होंने खुद खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सारी चीजें जल्दी निपटा दीजिए प्लीज, एक घंटे से ज्यादा नहीं, यानी कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी थी उन्हें शादी करने की। और इस बात की पूरी जानकारी जोया अख्तर को भी थी जिस दिन वो उनके घर पर मुलाकात करने गए थे कैटरीना कैफ से। उन्होंने शेयर किया कि शादी के दौरान हर दिन ये मजेदार मीम्स, ट्वीट्स, मैसेज इंटरनेट पर साझा किए जाते थे और हम सबसे अवेयर थे। हमारे पास मेरे दोस्त थे जिन्होंने उन्हें हमें पढ़कर सुनाया और इंजॉय भी किया। हमें मीम्स को सर्च करने में बहुत ज्यादा मजा आता था। वही करण जौहर उनसे सिंगल लाइफ के बारे में पूछते है कि क्या वो मिस कर रहे हैं। इस पर विक्की कौशल ने जवाब दिया, मिस अब मिसेज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद हो तो पिछले सीजन में विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के रिश्ते पर मोहर भी करण जौहर के शो में ही लगी थी। इन दोनों की लव स्टोरी यहीं से शुरू हुई। बता दें कि कैटरीना कैफ ने पिछले साल 2020 में एक्टर विक्की कौशल के साथ सवाई माधोपुर के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में शादी की थी, और इस शादी का माहौल भी काफी ज्यादा अलग था। यानी कि जब लोगों को मालूम चला कि इनकी फोटोज बिकेगी, वो भी करोड़ों में, तो फैंस तो काफी ज्यादा हैरान रह गए थे। तो कहीं ना कहीं इस खबर से ये खुलासा जरूर सामने आया कि पंडित जी से उन्होंने ये कहा था कि शादी को जल्दी से निपटा दीजिए। अब ये सुनते ही फैंस के मन में तो सवाल उठने लगे कि क्या सच में विक्की कौशल शादी करने के लिए तैयार थे कैटरीना कैफ से, या फिर वो बस जल्दबाजी ही करते नजर आए। अब आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।